नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। स्वतंत्रता दिवस के आप सभी को टोटल टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है, पिछले 7 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को भी हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकार अंत्योदय के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर गरीब, जरूरतमंद और वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। विगत 7 वर्ष में 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया गया, 2 करोड़ 62 लाख से अधिक गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा प्राप्त हुई, 1 करोड़ 86 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन तथा 2 करोड़ 65 लाख से अधिक परिवारों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने और 15 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, गौड़ आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षित रहे यह लोग आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़कर ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डीबीटी द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आंतरित की। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है। आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से 100 पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा से साथ के साथ जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थी प्रक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यह संकल्प किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प रहा है, कि हम देश को 0 पॉवर्टी के अभियान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य 0 पॉवर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। हर परिवार के पास अपना फैमिली आईडी बना करके शासन की योजनाओं को 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा करेगा और इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध करवाएगा। युवा भारत के विकास की धुरी है, हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के अंदर आज अपने युवाओं के लिए हम लोग आज एक नई योजना की घोषणा करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, जिसके क्रम में आगामी कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
की एक अभिनव योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत नौकरी की बजाय उद्यम, इसके लिए इच्छुक युवाओं को ऐसे 10 लाख नए एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से उन्नयन करेगी और सपोर्ट करेगी। इसके माध्यम से 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की नई संभावना आगे बढ़ेगी। प्रदेश में अब तक हुए निवेश से 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं को अपनाकर 62,00,000 युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ने में मदद मिली है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 7 वर्ष में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। तो स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को आकर्षित करने के लिए स्टार्टअप फंड की भी स्थापना की गई है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट का निःशुल्क वितरण प्रभावी ढंग से गतिमान है। तो प्रदेश सरकार प्रत्येक स्तर की शिक्षा के उन्नयन के लिए भी प्रभावी प्रयास कर रही है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निर्मित हो रहे हैं। नए शैक्षिक सत्र में अब तक 20,50,000 से अधिक बच्चों ने परिषदीय स्कूलों में प्रवेश लिया है। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग आदि उपलब्ध कराने हेतु 1,200 रुपये की दर से धनराशि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के माता पिता अथवा अभिभावक के खाते में तो बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर संबोधन कर रहे हैं। स्थापित करने की कार्रवाई गतिमान है। ऐसे भी क्षेत्रों में 190 नए राजकीय हाई स्कूल और 58 इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित किए गए हैं। एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार हो गई है। अब हम एक जनपद एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय ये संचालित हो चुके हैं। मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर मंडल में मां विंध्यवासिनी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय, तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बनकर तैयार है, तो गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का कार्य भी तेजी के साथ निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। मेरठ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। प्रदेश सरकार अपने अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारे अन्नदाता किसानों की ही मेहनत का परिणाम है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि में हमारा हिस्सा मात्र 12% है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों की प्रयास का परिणाम है, उनके परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न की 20% से अधिक की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है।
प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक अपने 2,62,00,000 किसानों के खातों में 75,000 करोड़ रुपए से की अधिक धनराशि आंतरित कर चुकी है। अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण होकर 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचन क्षमता के क्षमता सृजित कर चुकी है, जिसके माध्यम से 46,69,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की देने की व्यवस्था के तहत 14,00,000 से अधिक किसानों को अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए हैं। सिंचाई हेतु जून मास तक 66,000 से अधिक सोलर पंप स्थापित भी किए गए हैं। एग्रीस्टेक योजना में 99,000 राजस्व गांवों को जियो रेफरेंस विलेज मैप तैयार किया गया है। 2024-25 में समस्त जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री को भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 25,000 किसानों को कार्बन क्रेडिट के रूप में 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वर्ष 17 से अब तक 2,53,000 से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। 23-24 में गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई। अगेती प्रजातियों का ₹370, सामान्य प्रजातियों का मूल्य ₹360 और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य ₹355 प्रति क्विंटल अन्नदाता किसान को भुगतान किया जा रहा है। श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु किए गए प्रयासों से वर्ष 23-24 में मिलेट के क्षेत्रफल में 24.4% और उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई है। जनपद आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का साउथ एशिया